वो इश्तेतार जो रहता है उसको उनका हार्ट टच हो गया और उसके बाद किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम शकरी टोला में एक युवक विद्युत पोल में सटे तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम दिलीप पिता बाबूलाल पुशाम उम्र 33 वर्ष ग्राम शकरी टोला निवासी बताया गया है। मृतक युवक के भाई संजय ने बताया कि 20 जून की शाम करीब 7 बजे मेरा भाई दिलीप काम से लौट आया और नहाने के बाद मोहल्ले में निकला था कि अचानक वह विद्युत पोल में सटे तार की चपेट में आ गया और झटपटाने लगा, जिसे महेश घोरमारे द्वारा लकड़ी से उसे अलग किया गया था, लेकिन उसे निजी वाहन से वहीं रात्रि करीब 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना के संबंध में परिजनों सहित ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से यह घटना घटी है, जबकि पूरे गांव में खुले तार यों केबल गिरे पड़े हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। अनेकों बार विद्युत विभाग को शिकायत की गई, किंतु ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक छोटी बच्ची भी इसी करेंट की चपेट में आ गई थी, लेकिन वह बाल बाल बच गई। मतलब शाम में ऐसे टहलते टहलते गए महेश घोरमारे के मकान की तरफ और अचानक से ही मतलब वो इश्तेतार जो रहता है उसको उनका हार्ट टच हो गया और उसके बाद एक बार उन्हें आवाज़ दिए और महेश घोरमारे जस्ट साइड में ही थे वो, तो उनने उसको हटाया और हमारे जाते तक हमने जब गए वहाँ तो महेश घोरमारे उसको अलग कर चुका था। उस टाइम वो जीवित थे। फिर जैसी अपने को स्थिति लगी उस हिसाब से अपने प्राइवेट पार्सल बनाकर किरनापुर सामुदायिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाए उनको, तो यहाँ जांच के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा, और भी करंट आ रहा था गांव में ऐसा बताया? हाँ जी, उसमें इससे पहले मतलब दोपहर के लगभग एक बच्चा भी उस चपेट में आया था, लेकिन उसको कम लगा होगा, उस वजह से वो बच गया हो। यानी विभाग की लापरवाही रही है। हाँ, शिकायत किए थे अपन ने, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी क्या होना यहाँ पर मिला है? सर, यहाँ PM होगा, अभी इसी का वेट कर रहे हैं अपन, उसके बाद अपने को बॉडी सौंप देंगे। लाइनमैन को शिकायत की हमने, इनने उसकी कोई जांच पे कोई लाइनमैन को नहीं भेजाया गया। और मैं एक दिन ऐसे ही पावर हाउस पहुंचा, तो पावर हाउस पहुंचने के बाद में मैं वहां गया तो दीपक तुलकर को भेजाया गया है, उनसे जितना बना उतना किए हैं उनने, लेकिन कोई लाइनमैन नहीं आ पहुँच पाया समय पर। यानी विभाग की हाँ लापरवाही उनकी है। वहाँ और भी करंट आया था ऐसा बताया जा रहा है? हाँ, पहले से ही है, अभी से ही नहीं है, बहुत पहले से है। यानी वहाँ करंट दौड़ता है गांव? हाँ हाँ, पूरा केबल नीचे गिरा हुआ है अभी भी। आपने इस विषय में कहाँ कहाँ शिकायत की? हमने शिकायत पूरा मार्को से की है, वो भैया ही थे जो अभी गए हैं, हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनने भी बार बार शिकायत की है कि भैया बोलते हैं कि ऐसी की बात ऐसी हो गई है, आप कम से कम आओ। बार बार कॉल करने के बाद भी इनने फ़ोन कॉल नहीं उठाया हमारा। अभी भी क्या विभाग की लापरवाही है जो करंट? हाँ, विभाग की लापरवाही है, मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।